जो लोग एनिमेशन आज हम क्रिएट करने वाले हैं गाइस, उसी लोगों एनिमेशन की टेक्निक को, मोशन ग्राफिक्स को यूज करते हुए रिसेंटली ही मैंने एक ब्रांड के लिए लोगो बनाया था, जो एक लॉन्च था उसके लिए मैंने लोगो क्रिएट भी किया था और एनिमेशन भी किया था. नॉट द सेम लोगो बट इसी के तरीके का लोगो, और मैंने 7,000 रुपीज अर्न किए थे. तो ये बिगिनर्स भी बहुत ही बेटर तरीके से और इजीली क्रिएट कर सकते हैं. इवन इंटरमीडिएट और प्रो आर्टिस्ट को भी इससे कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा. तो आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो गाइस. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो ये मेरा एलपी वाला टेक्स्ट है उसको लेयर को मैं यहाँ पे सोलो कर देता हूँ और मेरे बैकग्राउंड को भी सोलो करता हूँ. अब ये टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स्ट में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ. अब जो दोनों में डिफरेंस, सबसे पहले चीज देख लो, जब भी आप क्रिएट करते हो ये छोटी मोटी चीजें आपके साथ एरर जरूर आएगा गाइस. अगर मेरे टेक्स्ट लेयर को मैं यहाँ पे रिवील करूँ तो उसकी थिकनेस ज्यादा है कंपेयर टू जैसे मैंने शेप लाइन में आउटलाइन में कन्वर्ट किया, उसकी थिकनेस कम हो गई. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी. उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही आप देखोगे क्योंकि शेप में कन्वर्ट हुआ है तो शेप के पास फिल और स्ट्रोक दोनों है. तो यहाँ पे फिल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं उसके ऊपर स्ट्रोक भी अप्लाई कर देता हूँ. सेम शेड में यहाँ पे चूज कर लूंगा जो इसका था, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, तो आप स्ट्रोक की वैल्यू क्या कर सकते हो, यहाँ पे एड कर सकते हो. तो सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रोक की वैल्यू 5 कर देता हूँ तो मेरे पास मेरी थिकनेस वापस आ जाएगी. तो ये चीज मेन आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी. तो ये हो गया. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इस मेरे टेक्स्ट लेयर की जो आउटलाइन बनने वाला लेयर बना है उसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूं. अब पहले वाले लेयर में से मैं यहां से जो पाथ अंदर बने हैं उसमें से पी को मैं डिलीट कर देता हूं और ऊपर वाले लेयर में से मैं क्या कर दूंगा, एल को डिलीट कर दूंगा. तो भाई क्या है, दोनों मेरे इंडिविजुअली एनिमेट होने वाले हैं, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, उस हिसाब से अप्लाई कर दिया है. अब सबसे पहले जो मैं इसको है तो इसका नाम चेंज कर दो गाइज. ये बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है, आपको हमेशा इन सारी प्रोसीजर को फॉलो करना है. लेयर्स को नाम देना, लेबल्स देना बहुत यूजफुल रहेगा, फ्रीलांसर हो चाहे इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो. तो यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ एल आउट और ऊपर वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ उसको नाम दे देता हूँ पी आउट. ठीक है, तो ताकि पता चले कौन से लेयर में कौन सा लेटर है मेरा. तो अब मेरा एल आउट वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे एल को ओपन करेंगे और उसका जो पाथ है उसको 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर पहले की दे देते हैं, फिर चलते हैं 20 फ्रेम आगे और आई थिंक 30 फ्रेम विल बी द गुड. तो यहाँ पे क्या करूंगा, इस फ्रेम को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ की को और चले आते हैं वापस 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर. अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मैं जो है इसको जो स्टार्टिंग के 4 वर्टेक्स है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ. थोड़ा जूम कर लेते हैं और क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करते हैं, साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेना, यहाँ पे टच हो जाना चाहिए, प्रिसाइजली नहीं बट एटलीस्ट ये टच होना चाहिए इस हिसाब से. तो ये यहाँ पे हो चुका है. अब साथ में अब सारे के सारे वर्टेक्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं क्या करूंगा, इनको मैं ड्रैग कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के कुछ इस तरफ. तो आपको ध्यान में रखना है, आपको जिस लेवल तक ले जाना है उस लेवल तक लेके जाओ, ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो. तो भाई ये यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद जैसे ही मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कुछ हिसाब से कीज मेरे जनरेट हो रहे हैं. ठीक है ना, तो ये मुझे यहाँ पे जनरेट करना है बट उस टाइम पे मुझे रखना क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्या बनना चाहिए. तो वापस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एज इट इज रख रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ. जो पीछे के जो दो वर्टेक्स है उसके अंदर मुझे प्ले करना है. तो ये दोनों वर्टेक्स क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे उसी जगह पे पीछे सेम, मतलब आपको सेम वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं बट ऑलमोस्ट वैल्यू के ऊपर ये रहने चाहिए. अब जैसे ये आगे की तरफ जाएंगे देखो ये कुछ हिसाब से स्क्वीज होते हुए जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग में लंबा रखा हुआ है ड्यूरेशन और एंड में मैंने कम किया था. अब इनको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करेंगे. चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को कुछ इस हिसाब से मैं क्या कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ. तो ये हमने स्पीड ग्राफ में एडिट किया है ग्राफ को. तो भाई हमारा एल एनिमेट हो चुका है. अब आ रही आती है हमारे पी के एनिमेट करने की. तो भाई इसका भी हम क्या करेंगे, पाथ प्रॉपर्टी ओपन करते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे देखो आपको दो पाथ मिलते हैं, अल्फाबेट 1 ही था, पाथ 2 है. रीजन ये है, अगर आप बिगिनर को आपको आइडिया करना पड़े, देखो यहाँ पे क्या होता, अगर ये पूरा एक शेप होता तो ये एरिया अगर मुझे निकालना है तो एक नया शेप ड्रॉ करके इसको या तो मैं आउट कर देता इंटरसेक्शन के थ्रू या तो कट मारता. तो सेम चीज, दो अलग अलग पाथ क्रिएट हुए, एक अंदर का पाथ अलग से और एक आउटर का पाथ अलग से है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के ऊपर आपको कीज देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हमारी की हो चुकी है जनरेट. अब ये कब रिवील होना चाहिए ये मुझे डिफाइन करना है. ठीक है ना, तो जैसे ये वाला स्टेप कुछ यहाँ पे पहुंचता है, ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे जब ये पहुंचता है तब मुझे क्या करना है, इसका एनिमेशन स्टार्ट करना है गाइस. तो पहला चीज क्या करेंगे, हम इसको ओपन करते हैं जो इसका हमने पाथ का एनिमेशन किया हुआ है. ठीक है ना,
तो पहली चीज पाथ को इसके यहाँ पे एनिमेट करना होगा। तो पहला काम क्या करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो पाथ है हम इसको यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक ये पॉइंट रहेगा तो इसको भी ड्रैग कर लो। अब इसको मूव करेंगे, शिफ्ट दबा के रखना है आपको गाइस। मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, उसको मूव कर देना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, साथ में ये अब अलग से ये वाले पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, पहला काम कर दिया। अब साथ में ये दो पॉइंट भी क्या, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, साथ में शिफ्ट दबा दो, यहाँ पे टच हो जाने चाहिए कुछ हिसाब से। अब आप चाहो तो पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हो, मेरे लिए इतना इनफ है, ज्यादा करने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब वापस यहाँ पे आए और 10 फ्रेम थोड़ा और, मैं 10 फ्रेम भी नहीं, 1 2 3 4 5 फ्रेम हम यहाँ पे रहते हैं। और क्या कर लेंगे, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब इनको भी सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर। और क्या करूंगा, मैं इसको भी ग्राफ कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ, तो ये भी यहाँ पे ग्राफ एडिट हो चुका है। अब दूसरी चीज, अभी ये रिवील कब होना चाहिए, अभी ये तो स्टार्टिंग से ही दिख रहा है, एल भी स्टार्टिंग से दिख रहा था, दोनों के अंदर हमें एडजस्टमेंट करना होगा क्योंकि दोनों है तो स्क्रीन के अंदर ही। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 1 2 3 यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले एल आउट वाले लेयर को पीछे से ट्रिम कर देता हूँ। सेम चीज जैसे ये वाला मेरा लेयर है यहाँ पे पी वाला, तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, यहीं से एग्जैक्टली मैं ट्रिम कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से इसका एनिमेशन क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो एक फ्रेम आगे जाके भी हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, वो बेटर रिजल्ट देगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट एनिमेटेड सिचुएशन में आ चुका होगा, उसका एनिमेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका होगा जब तक वो रिवील होना स्टार्ट करता है। तो भाई इतना एनिमेशन हमारा जनरेट हो चुका है बराबर। अब हमें क्या करना है कि भाई साथ में इसको प्रॉपरली एडजस्टमेंट देना है कि भाई हमारे जो बबल थे उसको हमें रिवील करना है फाइनल लोगों के लिए। तो भाई बबल के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा, आप चाहो तो इंडिविजुअली उसको एनिमेट कर लो, या आप उसको चाहो तो अपने हिसाब से, मतलब क्या कहते हैं, एक साथ एनिमेट करना चाहो एक साथ एनिमेट कर लो। तो मैं यहाँ पे उसको क्या करने वाला, इसका पोजिशन ओपन कर लो, सभी लेयर को सिलेक्ट कर लो पोजिशन, मैं सबको इंडिविजुअली नहीं करने वाला हूँ, तीन तीन के पैर में इसको एनिमेट करने वाला है। साथ में इसका क्या कर रहा हूँ, स्केल का प्रॉपर्टी मैं ओपन कर रहा हूँ। तो सबके यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या कर दिया, हमने कीज दे दिया है, और साथ में हमें मेजर करना है कि हमारा जो पी आउट का ऑप्शन था उसका यू ओपन कर लो, तो देखो ये यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वही उससे मतलब 1 2 और फ्रेम पीछे चले जाते हैं, मतलब टोटल 3 फ्रेम का डिफरेंस डिस्टेंस हो गया। और हमें इन कीज को क्या कर देना है, यहाँ पे सेट कर देना है। और यहाँ से शिफ्ट पेज, अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ चले जाएंगे और वापस क्या कर देंगे, इन सबको यहाँ पे कीज दे देंगे। तो हमने सारे लेयर्स को कीज दे दिया है। अब पहला चीज क्या करेंगे भाई, सबका पोजिशन नीचे की तरफ डाउन में लेके जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे डाउन पे लेके आ गए हैं सबका पोजिशन। साथ में सबका स्केल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ गाइस, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर के जो 3 है उसको 1 2 3 फ्रेम पीछे लेके चलते हैं और उनके एनिमेशन को यहाँ पे 3 फ्रेम ऑफसेट कर देते हैं पीछे की तरफ। अब सारों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके डन। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, F9 प्रेस कर दो। इसके ग्राफ के अंदर हम कुछ भी एडिट नहीं करने वाले हैं। तो भाई ये तो हमारा एनिमेशन हो गया। अब एट द एंड आता है हमारा लास्ट वाला टैग्स जो है, जो आपका लोगो का टैग्स रहेगा, वो हमें क्या करना है, रिवील करना है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो फाइनल इसका था उसी तरीके से इसको हमें रिवील करना है। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी और साथ में ऑपेसिटी प्रॉपर्टी रिवील करते हैं और दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे की दे देंगे। चलते हैं 20 फ्रेम आगे, 20 से 15 फ्रेम तो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों को की दे देते हैं। चले आते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, पोजीशन क्या कर देंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं यहाँ पे, और ऑपेसिटी वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और इनको भी सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ को एडिट करने वाले हैं, स्पीड ग्राफ में है हम लोग अभी, और ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे। तो भाई ये भी हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे खाली हमारा वर्क एरिया लिमिटेड कर देते हैं और एक बार हमारे फाइनल एनिमेशन को प्ले करके देख लेते हैं। हाँ भाई, ये अब मुझे प्रॉपर और बेटर तरीके से दिख रहा है। सो आई होप, बहुत ही बेसिक तरीका है बट टेक्स्ट को हमने बेटर तरीके से लोगो में कन्वर्ट किया, हमारा लोगो ग्राफिक्स जनरेट किया और हमारा मोशन ग्राफिक्स भी बहुत तरीके से बेटर तरीके से एनिमेट हो रहा है। और इतना सिंपल सा एनिमेशन और स्मार्ट वे पे काम करने से अगर आपको 7,000 रुपीज मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा और ज्यादा पैसा है। ये आपकी स्मार्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उसको क्रिएट करते हो। और मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल आपको ऐसे ही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।